जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग फौजे में। तो अभी जो फॉर्म आप लोगों ने RPF, SI और कांस्टेबल के फॉर्म भरे हुए हैं, उसकी जो अपडेट्स जो आ रही है, कई लोग हैं जो बता रहे हैं कि इंक्रीज हो रही है वैकेंसी, कई लोग जो बता रहे हैं कॉन्स्टेबल्स की वैकेंसी जो है वो इंक्रीज होनी है, और क्योंकि बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर में भी कट आया है। तो मैं आपको एक ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग चाहे विश्वास करो चाहे मत करो, मैं जब तक ये कह रहा हूँ कि जब तक आपका RPF की साइड में नहीं आता कि ये इंक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो सकती है, तब तक आप लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास मत करो कि RPF की वैकेंसी इंक्रीज हो रही है या फिर बड़ा चांस मिल रहा है या फिर ऐसा कुछ भी। आप लोगों की 4600 वैकेंसी थी वो अभी तक है, ठीक है ना, 400-500 वैकेंसी जो आपके सब इंस्पेक्टर की थी तो वो अभी तक है, अभी कोई इंक्रीज का कहीं पे भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। आप लोग उसमें भ्रमित ना हो कि नहीं ऐसा कुछ भी, और आप जिस हिसाब से लगे हुए हो, जिस हिसाब से अभी पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यू, उसी को बेस बना करके उसी हिसाब से कंटिन्यू लगे रहिए। 10 घंटे 8 घंटे जो आप दे रहे हो रोज, उसको दीजिए रोज। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं कि वो बेहतर कर पा रहे हैं, प्रीवियस की अपेक्षा अभी बहुत अच्छा तरीके से आप कर पा रहे हो। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप कंटिन्यू लगे हुए हो, 8 से 10 घंटे आप रोज डेली दे रहे हो, और आप इसका वेट मत करो कि कब इंक्रीज होगी ये वैकेंसी जो है, इंक्रीज हो सकती है 20,000 या 22,000 वैकेंसी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, 4,000 वैकेंसी निकाली है, 4,500, और अगर इनको करना होता तो वो पहले ही कर देते, अभी कुछ नहीं होगा ऐसा। अगर होता है, अगर 5% चांसेस है तो अगर होता है तो बेनिफिट है, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, पर अभी उसको लेकर के आप लोग डिस्कस इसमें करना शुरू कर दो कि इंक्रीज होंगी वैकेंसी, पेपर में दे रखा था, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो बता रखे हैं, तो जब तक ऑफिशियल RPF की साइड में ना, तब तक आप लोग फालतू में ये सब चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो जैसे कर रहे हो अभी, और मॉक टेस्ट दे रहे हो, 60% आपके हो जाने के बाद आप मॉक टेस्ट जरूर दो, चाहे किसी भी साइड से दो, चाहे कुछ जैसे कि आपके पास में टेस्ट बुक हो गया, RWA हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, कई सारी है साइट से जहाँ से आप टेस्ट बुक, जहाँ से आप अपना मॉक दे सकते हो। तो मेरा एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़िए कि एग्जाम कब होगा, डिपेंड। एक क्वेश्चन आप लोगों का ये भी है, कई सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि एग्जाम कब होगा, अरे मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या दिसंबर लास्ट, आप लोग ना जनवरी में हो सकता है, अगले साल होगा मार्च में या अप्रैल में, भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आ जाएगी डेट, 20 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट करा देंगे। तो ये बता रहा हूँ 70% चांसेस है अक्टूबर में, और अगर नहीं होता है अक्टूबर में तो वो दिसंबर में खिसक जाएगा आपका, नवंबर या दिसंबर में खिसक जाएगा। तो आप लोग फालतू में ये सब चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है, इतना कि इसका डेट का और इसके इंक्रीज का, ये सब तो पार्ट है यार, आपने फॉर्म भर दिया ना, इतना काफी है आपके लिए। अब पढ़ाई करिए, 8 से 10 घंटे रोज डेली दीजिए, जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो, अगले दिन श्योर 100% हो जाएगा सिलेक्शन। आप लोग बने रहो हमारे साथ में, इसी तरीके से टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो, और लोगों को फॉरवर्ड भी करो, क्योंकि ये जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, ये RPF के लिए मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, RPF के लिए ही बना रहा हूँ, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो अगर कांस्टेबल है उनके लिए, तो ये एक चैनल है जिसमें आपको रोज या 2 से 3 दिन में आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी, और वो आपके लिए ऑथेंटिक वीडियो रहेगी, और आपके जो एग्जाम का पैटर्न है उसी हिसाब से चीजें रहेंगी। तो RPF का बेस बना करके इस यूट्यूब पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ और इस चैनल में ये मैं डाल दे रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है, और ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मॉक में नंबर कम आ रहे हैं या फिर कुछ भी, शुरुआत में ऐसा ही होगा, 110 नंबर तक पहुंचने में लास्ट तक समय लग जाएगा, तो आप लोग करते ही है, 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, 75-70 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे नंबर हैं आपके, परेशान मत होना बिल्कुल भी, हम साथ में हैं, आपका बड़ा भाई साथ में है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप कमेंट करके बताओ कि मॉक में कितने नंबर आ रहे हो, ठीक है ना, 60 से 70 नंबर आ रहे हैं, बहुत है बहुत है, जितने नंबर नहीं आ पा रहे उनका एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है, लेकिन ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है कि वो क्वेश्चन जो है इन फ्यूचर में गलत ना हो। तो आप लोग एक बार प्रॉमिस करिए कि एक तो ये इंक्रीज वाला सिस्टम, एक एग्जाम डेट का, और ये मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, तो इन 3 क्वेश्चन को लेकर के आप परेशान बिल्कुल मत हो, मॉक में नंबर कम आएंगे ही, क्योंकि तैयारी आपकी अभी उस लेवल की है, आप जब तक उस 40 नंबर या 50 नंबर का जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक कैसे आएगा आपका, वही आएगा मॉक में जो आपने पढ़ा है, 60 नंबर का आपको आ गया, 50 नंबर का नहीं आया, 60 नंबर का नहीं आया, तो 50 नंबर का 60 नंबर का क्यों नहीं आया, क्योंकि आप उसको पढ़ोगे अभी,
तो पढ़िए उसको और दीजिए अच्छे तरीके से मॉक, है ना। जरूरत नहीं है नंबर ज़्यादा परेशान होने की, जरूरत नहीं है। 55-60 नंबर अगर बहुत है, अभी बहुत है, इन फ्यूचर में हो जाएंगे नंबर, 110 तक आ जाएंगे नंबर, लेकिन बस 8 घंटे देने हैं पढ़ने हैं, ईमानदारी से पढ़ना है आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, आप लोगों के लिए मोटिवेटेड करने के लिए, आप लोगों के लिए अपडेटेड जानकारी लाने के लिए तो ये वीडियो मैं बनाता रहता हूँ आप लोगों, तो आप लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहा है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और सजेस्ट भी कर दो, क्योंकि क्या है मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि आप पढ़ रहे हो और आपके कुछ जो कमेंट्स हैं उससे मुझे मोटिवेट मिलता है, मोटिवेशन आता है कि यार चलो ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मेरे कमेंट्स को आप रिप्लाई कर रहे हो, या फिर आप जो मेरे साथ में चैनल में ब्लॉग पोजी चैनल में जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपने कमेंट्स डालते हो, या फिर मैं उस पर अपडेटेड जो आप लोगों को रोज टारगेट दे रहा हूँ तो उसको आप तैयारी कर रहे हो, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो ठीक है अभी तैयारी हो रही है। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लो और इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करवाओ, ठीक है, ओके, जय हिंद।